विराट के बघेली समाचार में अपना पंचन का स्वाति के नमस्कार। रिश्ता का तार तार करे वाली घटना रीवा जिले से सौहे आई है। बताया दे कि रिश्ता के भाई लागे वाला घरे में बिटिया का बंधक बना के बलात्कार की ही सी। बताया दे कि आरोपी के चंगुल से छूट के पीड़िता थाने पहुंची और रिपोर्ट लिखाई से, जेके बाद पुलिस मामला दर्ज कर ली सी। पे अबे आरोपी फरार बतावा जात है। अपना पंचन का बताया दे कि रिश्ता का तार तार करे वाला यह घटना सिरमौर क्षेत्र के बताई जात लागी। खबर रीवा जिले से ही। बताया दे कि समान थाना क्षेत्र से चोरी कीन गए वैगनार कार का पुलिस का मिल गई। पुलिस के ओ समय होश उड़ीगा जब आसपास के मनैन के द्वारा बतावागा कि रोड किनारे एक ठे कार कवर खड़ी ही और ओखे अंदर एक आदमी पड़ा रहा है। घटना के पता चलते पुलिस मौका में पहुंची और आरोपी का हिरासत में लीन ही सी और कार का बरामद कीन गा है। बताया दे कि पुलिस अब आगे के पूछताछ करत लागी। आई सुनीत है नगर पुलिस अधीक्षक पूरा मामला कलई के का कहिन है। और मुझे यहाँ अंदर किया और बाहर से लॉक के चार्जेस। कार किसकी थी? और कहाँ मोटा मोटा है ना थोड़ा सा ये मोटो फोटो दिख रही है। ये देखिए ये इसमें हमने जब आके मौके पर देखा तो गाड़ी में जब देखा तो उस व्यक्ति की सांस चल रही थी जो गाड़ी के अंदर था और गाड़ी ऊपर से कवर्ड थी पूरी। और जब हमने गाड़ी को खोल के देखा तो उसमें एक व्यक्ति निकला जिंदा और जो कि जिसने गाड़ी चोरी की थी तो उसको हमने पकड़ लिया। पूछताछ जारी है। ये गाड़ी कल रात में चोरी हुई थी। ये समान थाना क्षेत्र का एरिया है, नेहरू नगर के आसपास का। तो उसके बाद से ये गाड़ी आज यहाँ पड़ी हुई मिली है। तो लोगों की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे आके जब्त किया है। इसमें कोई और अन्य आरोपी की जानकारी मिली? अभी जांच जारी है और जैसे ही ये कार्रवाई की जाएगी तो आपको बताया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचा एक ठे परिवार गाँव के एक ठे सरहंग पर जबरदस्ती कब्जा करे खातिर आरोप लगाई थी। पीड़ित बताईस के शासन द्वारा वही जमीन पर पट्टा दीन ग रहा, लेकिन ओ गांव के शंकर लाल कब्जा कैलहिन। विरोध करे पर जान से मारे की धमकी दीहीन और यह पूर्व मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के कुल्लू गांव के बतावा जात है, जहां के निवासी तुलसीदास कलेक्टर से अपने जान माल के सुरक्षा खातिर गुहार लगाई थी। ये कलेक्टर में क्या शिकायत? शिकायत यह है हमारी कि हमारे परिवार मारते हैं, गरियाते हैं, हमारा जमीन नहीं देते हैं, ना रोड कहीं देते ना अंदर देते हैं। बोलते हैं पटवारी गए थे तो बोलते हैं कि तुम्हारा नहीं है, जितने में है वो उतने में रहो, और उधर जो दे देंगे रोड में हम वही नहीं देंगे। यहाँ का नाम जानते हैं? हाँ, विनय प्रताप सिंह नाम है उनका, पटेल हैं। वो हम ही परेशान करता है, वो सुनते नहीं हैं। हम विनती करते हैं, गोड़न गिरते हैं, चिरौरी करते हैं, जब भी नहीं सुनता है कोई। छोटे छोटे बच्चे लेके घर भाग रहे थे, हमारा मरवाते हैं, गरीबाते हैं। बिजमोहन सा कह, तुलसी सा कह, दूसरे से मरवाता के हम चंद नाम है। वो हमारे बच्चे को 11 बजे रात घुटकी दबाया था, मरता है, गरियाता है, कोई सुनाई नहीं होती। रिपोर्ट करते हैं तो न सिमारी अब सुनाई होती है, न रेप सुनाई होती है। बोलता है कि मर जाओ, हम तुम्हारी सुनाई ना करें कि तो हम कहाँ जाएँ। हमारा नाम शंकर लाल साकेत है सर। ये आज कलेक्टर कार्यालय में आए, क्या शिकायत? जी सर, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सर। क्या शिकायत? सर, हमारी शिकायत ये है कि हमारा परिवार जो है, चाचा है हमारा सर, हमको मारता है, घर से निकालता है, तमाम कब्जा किया हुआ है। और हम कहीं पुलिस में जाते हैं, चौकी में जाते हैं, थाना में कोई कार्रवाई नहीं होती। पटवारी आया हमारे घर में रात को, बोलता है कि तुम जितने में ही उतने में रहो सर। और दुकान एक छोटी सी किए हुए हैं हम, टपरा है, तो उस टपरे में बोलता है कि तुम इसको हटा लो और उधर घर के अंदर चले जाओ, और नहीं तो रोड में यही रखो। रोड में सर, रोड बन रही, किसी दिन हमारी दुकान हट सकती, वहाँ पर्याप्त जगह है। हमारा हिस्सा होता, हमारे पिताजी 3 भाई थे, हमारे पिताजी के गुजर जाने के बाद ये लोग बोलते तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या सर, शासकीय ज़मीन है तो हमारा रहने का अधिकार नहीं है? वे लोग इसका पट्टा भी मिला है आप लोगों को? जी सर, ये शासकीय मिला है प्रमाण पत्र सर, लेकिन बोलते हैं इसका कोई मान नहीं है सर, ये पट्टा है। कहाँ की समस्या है? ये हम ग्राम कुल्लू मोड़
पोस्ट बीड़ा जिला रीवा से हैं सर। सिमरिया विधान सिमरिया थाने में आपने रिपोर्ट लिखवाई थी? जी सर, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस चौकी में कोई नहीं हुई, तहसील में हमारा प्रकरण चल रहा सर, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती, सब बिक गए हैं। छोटे छोटे लड़के लेके आ रहे? जी सर, मैं यह तीसरी बार यहाँ आ चुका हूँ सर। हमारे साथ मारपीट हुई, आरोपी हमारे घर में गुंडा घुसेरा रात को 11 बजे, दारू मुर्गा खिला करके हमारा गला दबाया था। हमारी माँ और बीवी ना होती तो हमको मार डालता, इस तरह गला दबाया था। उनका क्या नाम है जो आपको परेशान कर रहे हैं? तुलसी साकेत, ब्रजमोहन साकेत, और जो हमारा गला दबाया था उसका खेमचंद साकेत नाम है। कभी कलेक्टर से मुलाकात हुई है? नहीं हुई सर, हम वहाँ गए तो उनका जो पीए रहता है, कौन बोलते हैं उसको, उनको तो वो बोले कि अभी 2 घंटे बाद होगी बात, उनसे मुलाकात, फिर अभी 20 मिनट बाद बोलते हैं कि चले गए कलेक्टर साहब, वो भी झूठ बोल दिए सर। अगली खबर रीवा जिला से आवल लाही, जहां वार्ड क्रमांक 10 के लोग बहुत नरकीय जीवन जियल लाहे। यहां आज तक सड़क और नाली की सुविधा नहीं हो पाई है। आज जब विकास के गंगा बहाय के बाद जनप्रतिनिधियों के द्वारा कही जाती और सहरन का महानगर बनावे के दावा की जात लाग है, तो एमेर मां जब ए तरह के तस्वीर सामने आवे तो अपना बच्चे सोच सकी थे कि रीवा महानगर बने खातिर कितना करीब है। अरे समस्या यही है कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, तमाम पानी आ रहा है। कहाँ का मामला है ये? हाँ, ये नगर निगम का वार्ड क्रमांक 10 का। किस मोहल्ले का? गायत्री नगर का। क्या समस्या है? समस्या यही है कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, पूरा मोहल्ले का पानी आता है यहाँ, तमाम पार्क में भरता है, घर में तमाम चलने लायक नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं कैसे निकले, क्या है अभी तो ठीक है, कुछ बरसात में तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो पार्क के लिए आपने कहीं कोई आवेदन या कोई? हमने तो तमाम आवेदन दिया, स्थानीय विधायक को दिया, महापौर को दिया, पार्षद को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, कमिश्नर नगर निगम को दिया, तमाम दिया, कोई नहीं सुनता, मुख्यमंत्री महोदय को दिया। देखिए मैं यहाँ 2013 से घर बना के यहाँ रह रहा हूँ, और मैंने ये प्लाट लिया था अनंतपुर सोसाइटी से, और उसने हमको विधिवत एक पार्क दिया था जिसमें रोड नाली उसने बता के दिया था कि रोड निकलेगी नाली निकलेगी। अभी तक ये जस का तस है, ना रोड है ना नाली है, सारे मोहल्ले का पानी, मतलब यहाँ से आधे किलोमीटर दूर तक का पानी आके इसी पार्क में आके बैठा। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सुअर लौट रहे हैं, पूरा दलदल हो गया है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, गंदगी ऐसी है कि मतलब घर तक अंदर तक घुस रही है, मच्छर, डेंगू, कई मरीज यहाँ पे निकल चुके हैं, और किसी के यहाँ नाली और रोड का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे बरसात में हम लोग गोद में उठा उठा के उनको रोड तक पहुँचाते हैं, तब जाके वो अपने ऑटो और वेन में पहुँचते हैं, और हम लोग कई यहाँ पे लोगों ने गुहार लगाई नगर निगम में, पार्षद से, कोई सुनने वाला नहीं है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम अजय सिंह है, मैं यहाँ 2013 से निवास कर रहा हूँ अपना घर बना के। खबर रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र से आवल लाही, जहाँ तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पुलिया से नीचे गिरी। घटना में बाइक सवार दुइठे युवकन के मौत हुई है। बताए दें कि आसपास के लोगन से पुलिस पूछताछ कर लाही, और मौका पर पहुंची पुलिस सब का पोस्टमार्टम के खातिर अस्पताल भिजवाए दी सी। अपना बच्चे का बताए दी कि युवकन की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। क्या घटना हुई है? तो कल यहाँ महिला थाना से महिला टीआई फोन की थी, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है, वहाँ जाओ और कुछ अपना ये बता दो। यहाँ वो एक 1.5 साल से वो कांटी में एक हरियन महिला है, उनके खिलाफ रिपोर्ट करती रहती है, ऐसे आए दिन फाल्स रिपोर्ट करती है, परेशान करवाती रहती है। तो वो उसका जो जांच पास कागज पाथर से पूरा लिए अपना पर्स में यहाँ आया था, यहाँ से शाम तक वहीं ही रह गया, फिर अपनी खरीदी कैंप चल रहा था, उसमें ही उसके लिए स्टीकर लेने सोसाइटी के लिए टैग वैग लेने के लिए गया था, वहाँ से चला जा रहा। तो ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पर है? ये अम्बा भिटवा मोड़ पर, क्या बोलते हैं वहाँ, पुलिया जहाँ बन रही। क्या मृतक का नाम क्या है? धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। कितने साल के होंगे? लगभग लगभग 40 साल। अकेले आ रहे थे टू व्हीलर से? अकेले जा रहे थे। कितने बजे घटना है ये? ये लगभग 9 बजे के बाद एक घटना है, 9:45 बजे हमसे बात हुई है उससे, मैं बोला कि आप ना आओ, अगर ठंडी ज़्यादा है वहीं रुक जाओ, अपना घर है मैदान में वहीं रुक जाओ, तो वो सोचा होगा वहाँ काम ज़्यादा है तो निकल जाएंगे।
चौराटा थाना, पुलिस वुलिस भी आई थी? हम नहीं थे वहाँ इस पार्ट में, हम तो गांव में थे अपने केंद्र में, हमको वहाँ खबर मिली तो वहाँ से आई। आज खातिर इतने, विंध मा बघेली के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।